कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से। सबसे पहले आप ये देखो, इस बच्चे को 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। ये देख, छोटा सा बच्चा दिख रहा है आप लोगों को, इस बच्चे को एक कितनी 5-month-old boy from London has become one of the first thousands of affected infants to be treated each year. Cells. This is essential to prevent those cells from gradually dying. So we've now given over 500 doses, and I'm just so proud. Sandeep Maheshwari, क्या बोले? मना कर दी। भाई पता कितने दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके पास इतना। ये मुद्दा फिर से क्यों उठा है? क्योंकि 2023 में फिर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आ चुका है, और जिसमें हमारे जोगिंदर भाई सीधे सीधे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े नाम के ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्र, एलविश यादव, और इसके अलावा जितने भी बड़े यूट्यूबर्स है उन लोगों को टारगेट किया गया है। तो एग्जैक्टली ये मुद्दा शुरू होता है एक डिसीज के वजह से। एक ऐसे कपल है जिनका एक बेटा है जो की अभी फिलहाल 1 साल का हुआ है, उसको हो चुका है SMA। अब ये जो बीमारी है, ये बीमारी एग्जैक्ट क्या है? SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी। अब ये बीमारी में एग्जैक्टली क्या होता है? धीरे धीरे जो है मसल्स वो टेढ़े होने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके वजह से जो बच्चे की एज होती है वो हाईएस्ट 2 से 2.5 साल की होती है। वैसे कुछ रिसर्च के हिसाब से 18 मंथ ही काफी होते हैं, उसके बाद से उस बच्चे को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर जो है, इनका नाम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, और ये इस चीज के ऊपर में इतने संदेहजनक क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 2021 में इन्होंने एक ऐसा ही केस लेकर के सामने रखा था जिसमें बच्चे का नाम रुद्राक्ष था, और उसके लिए जो है कुछ क्राउड फंडिंग करने की कोशिश की गई थी। वो जो क्राउड फंडिंग होती है वो काफी दूर दूर लोगों तक पहुंचता है, और लगभग 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज फेसबुक से आ जाते हैं। थारा भाई जोगिंदर सबसे पहले फेसबुक में एक्टिव थे, वहीं पे वीडियो डाला करते थे, और उसी वीडियो पे जो है सबसे ज्यादा व्यूज आ गए थे। ऐसे लोगों का कहना है कि भाई ये क्लाउड के लिए भूखे हैं या फिर ये सच में मदद करना चाह रहे हैं। रुद्राक्ष के केस में भी सेम था, SMA डिजीज थी, और जिसमें जो है एक इंजेक्शन की कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, और उस 18 करोड़ रुपए को इकट्ठा करना एक आम आदमी के लिए, एक इंजेक्शन के लिए 18 करोड़, आपको लगता है कि वो अपने तरफ से दे सकते हैं? तो इसी मैटर को सॉल्व करने के लिए और बच्चे की मदद के लिए आप लोगों के सामने में थारा भाई जोगिंदर ने हाथ बढ़ाया था कि पूरी इंडिया में जितनी भी पब्लिक है वो सब मिलकर के अगर 1-1 रुपए भी देंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है। इस तरह से जो आपके सामने में ये केस रखा गया था। अब थारा भाई जोगिंदर का नाम फ्रॉड केस में कैसे आ जाता है, और इन्होंने घपला किया ऐसे कैसे आ जाता है, और लोगों के अंदर में एक बवाल कैसे मच जाती है, और यही इल्जाम लगने के बाद थारा भाई जोगिंदर को ज्यादा ही फेमस हो गए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी में लोग थे उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और लोगों को बताया कि किस तरह से इन्होंने स्कैम किया है। स्कैम जो है 16 से 18 करोड़ रुपए का नहीं, 2.9 करोड़ रुपए के ऊपर में था कि 2.9 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया। अब देखो, जब मैंने उस पुराने वीडियो को पूरी तरह से देखा तो ये चीज समझ में आया कि इन्होंने पब्लिक से डिमांड की थी 18 करोड़ रुपए के लिए, और ये जैसे जैसे वीडियो फैलने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा, उसी वक्त USA की तरफ से एक संस्था सामने आती है और ये कहती है कि जो भी खर्चा लगने वाला है वो खर्चा हम उठाने वाले हैं, और उस वक्त तक जो है पब्लिक यानी इनके फैंस कह लो या फिर इनके फॉलोअर्स, ये इनको तब तक 2.9 करोड़ रुपए का डोनेशन कर चुके थे। अब ये डोनेशन करने के बाद जब ये खबर निकल करके सामने आती है कि कोई भी डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सारा खर्चा USA की एक संस्था करने वाली है, और उस बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने की जिम्मेदारी वो लेती है, तो उसके बाद से पब्लिक टूट पड़ती है कि हमारा 2.9 करोड़ रुपए वापस कर दो। और इस चीज का आवाज सबसे पहले उठाया था दीपक कलाल ने। थारा भाई जोगिंदर दीपक कलाल को रोस्ट करने गए थे, जबकि खुद ही रोस्ट होकर के आ जाते हैं, और उसके बाद से दीपक कलाल ने सामने से एक ऐसा फैक्ट मार करके बोला जिसके बाद से लोगों के बीच में हलचल मच गई, और तब सबको पता चला कि 2.9 करोड़ का जो है स्कैम हो चुका है, और इस पैसे का कोई भी हिसाब नहीं है। अब लोगों का पैसा जो है किस जगह पे लगने वाला है, क्या लोगों तक वापस आएगा वो पैसा, या वो पैसा यूं चला गया? बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है थारा भाई जोगिंदर के स्टाइल को रोस्ट करते करते साथ में स्कैम का भी केस लपेट डाला, उसके बाद से सामने में रखा कि ये पैसा लेकर के भाग गया है। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए थारा भाई जोगिंदर ने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर में काफी सारे लोगों को बैठाया, और खास करके उस इंसान को भी बैठाया जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, यानी रुद्राक्ष के केस को सबसे पहले जिसने हाथ लगाया था, उस बंदे के साथ साथ लगभग 20-25 लोगों को लेकर के एक कमरे में बातचीत की जाती है, और उस बातचीत का रिजल्ट निकाल करके सामने वीडियो में कह दिया जाता है आज के बाद से इस फ्रॉड के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, और आपके पैसे के साथ में कोई भी ऐसा स्कैम नहीं हुआ है जिसके वजह से आप ये कह सको कि आपका 2.9 करोड़ रुपए डूब गया है। पैसे कहां कहां लगे हैं, किसके पास गए हैं, इन सारी चीजों का हिसाब आपस में ही कर लिया, जबकि इनको अपने तरफ से एक लाइव वीडियो ऑन करके उस टाइम में भी अगर हिसाब किताब करते तो शायद ऑडियंस इस बात को मान भी जाती, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से एक पंचायत बैठा करके लोगों के सामने में ये कह दिया हम सब ने आपस में समझ लिया है और ऐसा कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, और बारी बारी करके सभी लोगों ने कहा कि हमें सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि 2.9 करोड़ रुपए कहां गया है और वो सही जगह पे लगा है, आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। ये था केस 2021 का। अब 2023 में एक और केस आ चुका है जो की है कन्नू नाम के एक बच्चे का। यहाँ पे भी एक कपल है जो की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उनको पता चलता है की उनके बच्चे को SMA की डिसीज हो चुकी है। अब उसके बाद से जब वो पता करते हैं कि इसका क्योर किस तरह से होगा, और क्योर पता करने के बाद में जब खर्चा पता
करते हैं तो इनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही होता है कि भाई 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन से जो है इस बच्चे को बचाया जा सकता है। थारा भाई जोगिंदर के इस केस को जो कवर किया था वो न्यूज बॉय ने कवर किया था। एंड आई नो कि इस वीडियो को मैं डालने में काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन वीडियो डालने से पहले मैंने सोचा कि थोड़े फैक्ट्स के ऊपर मैं चेक कर लिया जाए ताकि आपके सामने मैं कुछ ढंग की फैक्ट्स रख पाऊँ। 2021 में थारा भाई जोगिंदर का कहना था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसके ऊपर में कुछ नहीं कर रहे हैं, सोनू सूद पूरी दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब 2023 में थारा भाई जोगिंदर का कहना यह है, ये कपल जाकर के काफी सारे लोगों को अप्रोच किए लेकिन कोई भी ढंग से हेल्प नहीं कर रहा है, और खास करके वो लोग नहीं कर रहे जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा उम्मीद है और जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा हेल्प हो सकती है। एक नाम लिया गया है एल्विश यादव का। इस नाम का लेने के पीछे में क्या एजेंडा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पीछे में पिछले बार भी हाथ धो करके इसलिए पड़े थे ताकि फेम मिल जाए, लेकिन इस बार जो कह रहे हैं क्या इनके बातों पे विश्वास किया जा सकता है? एल्विश यादव ने जो है पूरे तरह से ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी के सामने में ये कपल गए और उन्होंने भी जो है इनको कोई ढंग का रिप्लाई नहीं दिया है। विवेक बिंद्रा सर की तरफ से ये आया है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, पर अभी तक 2 महीना हो चुका है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब इन सारी चीजों को झूठ मानने से पहले या फिर सच मानने से पहले दूसरा साइड ये भी देखना पड़ेगा कि जो कपल है यानी जो कन्नू के जो डैड है वो अपने फोन पे जो है वीडियोस दिखा रहे जिसमें राजपाल यादव कपिल शर्मा के शो में जाकर के SMA बीमारी के बारे में बताते हैं और इस बच्चे के बारे में भी डिटेल देते हैं कि इस बच्चे को हेल्प कर दीजिए। इसके अलावा सोनू सूद की तरफ से भी एक वीडियो दिखाया जाता है कि उन्होंने भी इस टॉपिक के ऊपर बात की है और लोगों से हेल्प की अपील की है, और ऐसे बहुत सारे क्लिप्स और ट्वीट्स दिखाए गए हैं कन्नू के डैड की तरफ से कि भाई ये सारी चीजें सच है और इतने लोग जो है अभी उनको हेल्प कर रहे हैं। इस सारे फैक्ट्स को ढूंढने के चक्कर में जाकर के मैंने देखा जहाँ पे उस बच्चे के डैड जो है पूरी कहानी बता रहे हैं किस तरह से उन लोगों ने ये जर्नी शुरू की। और खास बात ये रहती कि जोश टॉक पे हमेशा अचीवमेंट के बाद में लोग आकर के अपनी जर्नी के बारे में अपने फेलियर्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस को जो है आपके सामने में साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑफ द जर्नी आकर के बताते हैं और ये एक फर्स्ट वीडियो होता है जोश टॉक में, जिसको देखने के बाद पर्सनली मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, मैं आपको इस चीज की गारंटी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ ये एक जेन्युइन केस है। अब थारा भाई जोगिंदर इसमें किस तरह से कूद पड़े हैं और उनका इंटेंशन क्या है इस चीज को जज करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। थोड़ा सा तो कुछ कर रहा है किसी को हेल्प करने के लिए, भले से उसका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, मैं इस चीज में उनको किसी भी तरह से ब्लैक या व्हाइट में डालना नहीं चाहता हूँ कि आप इसको गलत या सही के तराजू में डाल दो, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि जो बच्चा है कन्नू और उनके जो पेरेंट्स है वो कितने ज्यादा हताश हो रखे हैं, क्योंकि उनके सामने में भी चैलेंज ये है कि 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करके जो है उस बच्चे को बचाना है। तो एंड ऑफ द टाइम मैं जो कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि हाँ भाई हेल्प तो करना चाहिए, आपके अंदर में जितनी ताकत है वो आप कर सकते हो, और हो सकता है कि अभी से आने वाले कुछ टाइम तक जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर में मैं ये एक छोटा सा क्लिप जरूर डालूंगा ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और वो उनको हेल्प कर पाए। अभी फिलहाल जो है इस बच्चे के लिए लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट जो है कलेक्ट हो चुकी है। अभी देखा जाए तो मोर देन 40% का जो सफर है वो तय हो चुका है, और जिस तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि यार काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप इस चीज में सपोर्ट करना शुरू करोगे तो शायद इस बच्चे की जान जल्द से जल्द बच सकती है। वैसे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इनके डैड की तरफ से एक और चीज निकल कर आई है कि आपकी हेल्पिंग अमाउंट आने से पहले अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो ये पैसे को जो है 2 तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, एक कि आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे जिन्होंने जितना भी पे किया है, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि इस तरह के जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी इस तरह के डिसीज से जूझ रहे हैं या फिर जो भी लोग नीडी है उन सारे लोगों तक ये सारे पैसे पहुंच जाएंगे। अभी अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लीगल तरीका है जो कि मैंने अपने तरफ से चेक कर लिया है, आप चाहो तो आप भी एक बैकग्राउंड चेक करने के बाद में इस वेबसाइट पे जाकर के जो क्राउड फंडिंग की जा रही है वहां पे आप जाकर के हेल्प कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप 10 रुपीज देते हो 100 रुपीज देते हो वो भी काफी ज्यादा हेल्प होगा उस बच्चे के लिए जो कि अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एंड बाय द वे मेरा जो दूसरा चैनल जहां पे मैं मूवी रिव्यू करता हूं वहां की ऑडियंस अगर ये वीडियो देख रही है तो उनको भी एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप एंटरटेनमेंट के नाम पे मिनिमम 500 रुपीज तो खर्च कर देते हो, आई थिंक आपके हिसाब से 10 to 100 रुपीज जो है इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, और अगर आपके लिए ये कॉज बहुत ही अच्छा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर में उतनी शक्ति है कि आप कर सकते हो, आप इसको मंथली भी सपोर्ट कर सकते हो अलग अलग डिसीज से जूझने वाले बच्चे या फिर जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका कोई नहीं देखने वाला और उनके पास में इस तरह की फंडिंग नहीं अवेलेबल होती है, तो आप चाहो तो हर महीने के लिए 200 रुपीज 100 रुपीज से भी हेल्प कर सकते हो या फिर 10 रुपीज से भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, दैट वाज माय वीडियो अबाउट दिस, व्हाट्स योर टेक, आप अभी किस नजरिए से देख रहे हो या आप पे छोड़ता हूं, आपका कॉल है आपका टेक है ये आप पे डिपेंड करता है। दैट्स द मेन रीजन कि मैं इस चैनल का टैगलाइन रखा हूं, द चॉइस इज योर्स। अपनी राय को आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिख सकते हैं, एंड मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।